जी का देखना, भगवान ने विवाह तो किए पर स्त्रियों से नहीं, वेद की ऋचाओं से भगवान ने 16108 विवाह किए। इसलिए योगेश्वर है। आप कहोगे कि ठीक है विवाह की बात तो हो गई, पर इन्होंने वृंदावन में रास जो रचाया सो वहां भी काम गंध को जरा सा भी स्थान नहीं है। भगवान के प्रेम में, भगवान के रास में काम गंध को जरा सा भी स्थान नहीं है। जो भगवान के रास को, भगवान की लीला को काम गंध से जोड़ते हैं उनके मुंह पर तमाचा है। याद रखना, भगवान ने जब जब रास रचाया तब तब पुरुष बनकर के नहीं, गोपियों के बीच में स्वयं गोपी बनकर के रास रचाया। और कोई गोपी किसी गोपी का हाथ पकड़ ले तो क्या वो गलत होता है? भगवान गोपी बनकर के रास रचाते थे, काम गंध को लेस मात्र स्थान। और ये कई लोगों पर हमें बड़ा गुस्सा आता, जन्माष्टमी आती है तो गंदे गंदे में ऐसे अब आ रहे हैं तड़ी पार रास रचैया ये वो ठटरी के बरे नक्कटा। और विचित्र बात यह है कि उस मैसेज को फॉरवर्ड करने वाले हिंदू होते हैं, बनाने वाले दूसरे होते हैं पर फॉरवर्ड करने वाले हिंदू होते हैं। उसमें लिखा रहता कृष्णा कृष्ण करें तो लीला, हम करें तो कैरेक्टर। नक्कटा मूर्ख, हाँ कभी भगवान कृष्ण के बारे में पढ़ के देख। भगवान कृष्ण को काम गंध में जरा सा भी स्थान नहीं है, भगवान कन्हैया के प्रेम में, न राधा के साथ न गोपांगनाओं के साथ। वो योगेश्वर है, इसका जवाब है, प्रमाण है। ऐसे नियम बोल रहे कि बातें बनाने के लिए हम भगवान की कन्हैया की कथा करें, ना 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 ना, सुना नहीं तुमने, जवाब है। एक बार जब भगवान द्वारका के राजा बन गए तो वृंदावन आए, सुना हमने एक महापुरुष के मुख से, ये महापुरुष की वाणी है। और जब वृंदावन आए ना तो गोपियों को पता लगा, गोपियों ने 56 भोग बनाया, व्यंजन बनाए, और गोपियां थाल लेकर के गईं भगवान को मिलने। भगवान यमुना इस पार रुक गए, वृंदावन के उस यमुना के उस पार नहीं गए, मथुरा के इस पार रुक गए, और जमुना पल्ली पार वृंदावन, तो ठाकुर जी यहीं ठहर गए, रुक गए। ब्रजांगनाएं बड़ी दूर दूर से पुल पार करके आई, हाथ में थाली लिए प्रसाद का, और सब ब्रजांगनाएं आज प्रसन्न हैं, खुश हैं कि आज ठाकुर जी आए हैं, अब तो आनंद आएगा, अब हमारे ठाकुर कन्हैया के स्वागत में कोई कमी ना रह जाए, ताकि ये ब्रज छोड़कर ना चली जाए, ताकि ये ब्रज छोड़कर ना चले जाए, ब्रज में ही रहें। तो स्वागत सत्कार का सामान लेकर आई, भगवान ने कहा गोपियों हमें तुम्हारा स्वागत स्वीकार है, प्रसाद स्वीकार है, पर सुनो आज मेरा व्रत है। गोपियां खिलखिलाकर हंस गईं, अरे कन्हैया तुम कब से व्रत करने लगे? भगवान बोले नहीं है तो है, एक काम करो, जमुना के उस पार पल्ली पार हमारे गुरुजी हैं दुर्वासा जी, जाओ ये प्रसाद तुम उनको पवा देना। गोपियों ने मन में विचार किया, तव सुख सुखित्वम, जिसमें आपकी प्रसन्नता, देखो प्रेमी वही है जिसमें प्रेमी का, प्रेमी वही है जिसमें अपने प्रेमी की प्रसन्नता हो, वही काम करे, वही सच्चा प्रेमी है। हम लोग कई बार अपने प्रेम में अधिकार दिखाने लगते, अधिकार का बोध कराते, नहीं ऐसा होगा। तो गोपियां भगवान की बात मानकर यमुना उस पार जाने लगी, तो भगवान ने कहा कि उस तरफ क्यों जा रही? गोपियां बोली सरकार यहां से गली नहीं है, जमुना जी बह रही एकदम गहरी, आगे से पुल है तो पुल पार करके हम जाएंगे। भगवान बोले रुको, एक उपाय है। क्या? तुम जाओ और जा, भगवान के तब विवाह हो चुके थे, इसके बाद की बात,
सौ वर्ष का वियोग हो चुका था, इसके बाद की यह बात। भगवान ने कहा कि गोपियों तुम जाओ यमुना जी के पास जाना, हाथ जोड़कर खड़ी हो जाना और कहना कि हे कालिंदी माँ, आज तक हमारे भगवान कृष्ण हमारे कन्हैया अगर पूर्ण ब्रह्मचारी रहे हो तो हमें रास्ता दे दो। गोपियां मुस्कुराई, क्या बोली? सरकार एक दो ब्याह किए हो तो ठीक है, आप 16,108 ब्याह किए और इसके बाद भी आप ऐसी बात कहते हो, ये मजाक ना किसी और से करना। भगवान बोले नहीं नहीं, जाके कहो ना, जाओ तो। अब गोपियां बोले क्या? गोपियां गईं। हे कालिंदी मां, आज तक भगवान कृष्ण अगर पूर्ण ब्रह्मचारी रहे हो तो आप हमें रास्ता दे दो, हमें विश्वास तो नहीं है पर अगर रहे हो तो रास्ता दे दो। और इतना जैसे ही कहा तो यमुना जी का जल इस तरफ का इस तरफ रह गया, उस तरफ का उस तरफ रह गया और बीच से रास्ता निकल आया। गोपियां चौंक गईं, उस पार गईं, उनके गुरुदेव दुर्वासा जी विराजमान। दुर्वासा जी को प्रसाद रखा, सरकार भगवान कन्हैया के लिए प्रसाद बनाया था पर उन्होंने आपके चरणों के लिए हमें आज्ञा दी है, ठीक 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 लाओ गोपियों। और देखते ही देखते पूरी ब्रजांगनाओं की थाली साफ कर गए दुर्वासा जी, एक नहीं छोड़ा। गोपियां बोली अच्छा हम चलें? हाँ जाओ। जाने लगी, थोड़ी दूर गई फिर लौट आई तो दुर्वासा जी ने पूछा क्यों लौटी? महाराज जाना तो यमुना पार था वापस कन्हैया के पास, लेकिन इस तरफ से अब यमुना जी तो ज्यों की त्यों हो गई, अब तो लगता है पुल से जाना पड़ेगा। क्यों, उस तरफ से कैसे आई? पूरा वृतांत बतला दिया। दुर्वासा जी ने कहा एक मंत्र हमसे भी ले जाओ। महाराज आप भी दे दो मंत्र, गुरु चेला दोनों दो। दुर्वासा जी ने कहा जाओ जाकर यमुना जी से कहना कि हे कालिंदी माँ, दुर्वासा ऋषि ने आज तक एक अन्न का कण भी ना खाया हो तो रास्ता दे दो। गोपियां हाथ जोड़ के बोली जय हो आपकी, नाश्ता में 2000 थाली सटका गए हो और आप कह रहे कि एक अन्न का तृण भी ना खाया हो, कण भी ना खाया हो। कितने नंबर एक के दोनों गुरु चेला बने बनाए हैं। दुर्वासा जी ने कहा जाके कहो तो। गोपियां आई तो कालिंदी माँ वैसे तो अब हमें बिल्कुल विश्वास नहीं है क्योंकि आंखों देख खबाया है, फिर भी उन्होंने कहा है कि अगर दुर्वासा जी ने अन्न का एक कण ना खाया हो तो रास्ता दे दो। फिर क्या, यमुना जी इस पार की इस पार ठहर गई, उस पार की उस पार ठहर गई, बीच से फिर रास्ता। अब तो गोपियों का माथा चकराने लगा, हे भगवान ये कौन सा मंत्र है, उपद्रव भी करते जा रहे, आंखों देखें 2000 थाली सटका गए भाई साहब और कह रहे हैं कि एक अन्न का तृण भी ना खाया हो, कण भी ना खाया हो। वापस आके सब गोपियां गोविंद के चरणों में लौट गई। सरकार बाकी बात बात में, बाकी बात वार्ता बाद में होगी, पहले जे बताओ जे मंत्र को रह सका है तुम्हारी ऐसी कौन सी सेटिंग है कालिंदी मैया से, ये बताओ। तब भगवान ने वहां उजागर किया। वो संत हमें बता रहे थे, महापुरुष की वाणी है, संत कह रहे थे भगवान ने अपने मुख से कहा गोपियो हाँ हमने 16,108 विवाह किए, गोपियो हाँ हमारे गुरुदेव ने खूब दबा करके प्रसाद पाया, पर याद रखना गोपियो हमने 16,108 विवाह तो किए पर शरीर रूप से नहीं, आत्मा और परमात्मा रूप से। गुरुदेव ने प्रसाद तो पाया परंतु हमारे गुरुदेव ने जो प्रसाद पाया ना वो शरीर की पूर्ति के लिए नहीं, अब तो भक्ति की पूर्ति के लिए प्रसाद पाया। यहां इस वर्णन से जो लोग कहते हैं कि भगवान ऐसे हैं वैसे हैं, जो मैसेज बनाते हैं उनके मुंह पर तमाचा है, हमारे ठाकुर जी पूर्ण योगेश्वर हैं, योग योगेश्वर हैं, हमारे कन्हैया हमारे गोविंद हमारे ठाकुर जी सदैव सदैव
लीलाएं की हैं, पर हमारे भगवान ने लीलाओं में मर्यादा का ध्यान रखा।